अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अली भट्ट और मैं न्यूज़ीलैंड से बात कर रहा हूँ। आज ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे खबरें दौड़ रही हैं, दौड़ नहीं कहेंगे उनको, ट्विटर पे ख़ास तौर से कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं पाकिस्तान के, उनके जो स्पेशल असिस्टेंट हैं, जो उनके साथी हैं नॉन इलेक्टेड लोग, उनमें से बेशतर जो हैं वो फॉरेन सिटीज़न हैं। तो ख़ान साहब के साथ जितने भी लोग काम कर रहे हैं स्पेशल असिस्टेंट के, जो फॉरेन सिटीज़न हैं, वो तो उनके पर्सनल फ्रेंड्स हैं, वो तो उनके वो दोस्त हैं जो पिछले 20 साल से, जब से उन्होंने पार्टी बनाई, उन्होंने उनको खिलाया पिलाया, ख़ान साहब को रखा पाला पोसा, उन्होंने ख़ान साहब को ख़र्चा किया ख़ान साहब पे। तो वो जितने भी 8-10 4-5 लोग जो भी हैं, वो तो ऑब्वियसली वही लोग हैं। बाकी तो जो लोग हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, जो लोग सरकार में हैं। बाकी जो लोग इलेक्शन जीते हैं वो इलेक्शन जीते हैं, वो कभी किसी पार्टी में होते हैं, कभी किसी पार्टी में होते हैं, अभी वो इमरान खान के साथ हैं। तो बेसिकली मकसद, लेकिन जो फॉरेन सिटीज़न हैं वो तो पक्के दोस्त हैं इमरान खान के, उनका तो उनको फ़ायदा देना लाजम मतलब बनता है, क्योंकि वो इतना उन्होंने खर्च किया है उनके ऊपर, तो बेसिकली वो पे ऑफ टाइम है अब उनके लिए। तो ऑब्वियसली जितना वो कर सकते हैं वो करेंगे, मतलब पाकिस्तान में कोई क्या कर सकता है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो है ना, वो कोई आसमान से तो कोई चीज़ें नहीं लेके आके सही करेगा, उसी में से उसको सही करना है। लेकिन मसला वही है कि अगर जितना भी वो सही कर सकेंगे वो करेंगे, और जो कि नहीं कर सकेंगे, थोड़े दिन की बात है, वो चले जाएंगे, थोड़ा सा लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, थोड़ी सी बर्दाश्त होगी, बात करेंगे ख़ान साहब तो वो चले जाएंगे, जाहिर सी बात है। वो तो मतलब उनको, उनका हनीमून है, वो उनकी छुट्टियां हैं, वो बाहर से अपने मुल्क से छुट्टी लेके पाकिस्तान आए हैं, थोड़ा घूमने फिरने खाने पीने, जाहिर सी बात है। जितने भी 5-6 लोग हैं तो ऑब्वियसली वो तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा, उसमें उनका जो है वो कोई, वो तो सिर्फ हॉलीडेज़ के लिए आए हुए और हनीमून के लिए आए हुए, और बेसिकली जो सही लोग हैं वो तो इमरान खान साहब के पास कम है, क्योंकि जो उनको दिए गए हैं लोग काम करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, वो तो कभी किसी के साथ होते हैं और कभी किसी के साथ होते हैं, तो वो उससे जो है फ़र्क नहीं पड़ता। सो बस यही है कि अभी 3 साल हो गए, अल्लाह ताला बेहतरी करे। अभी बारिशें हुई और जो शहर का हाल हुआ, कराची शहर का, सोशल मीडिया पे फेसबुक पे देख रहे हैं क्या हाल हुआ है, फिर वही हाल पिछले इतने अरसा हो गया। ख़ान साहब को तो चाहिए था कि आते ही ये बन जाते, केएमसी वाले बन जाते, शहरों की, मोहल्लों की, गलियों की सफाई। ना नवाज़ शरीफ से पैसे मिले हैं, ना जरदारी से मिले हैं, ना मिले थे, ना मिलेंगे। जो खा गया सो खा गया, ख़त्म। कहते हैं ना, जो अल्लाह ताला का भी कुरान में हुक्म है कि जो जाहिलाना दौर में हो गया सो हो गया। अब आप ये मदीना की रियासत नया आज़म लेके आए हो, तो मेरे भाई आप जो हो गया सो हो गया, उसको बाढ़ में डालो। अब आप अपनी मेहनत से जो आप कर सकते हो वो आप करो, और जितना भी कर सकते हो वो करो, अपना वक्त बर्बाद ना करो बकवास लोगों के पीछे लग के। शहर का बुरे हाल, मुल्क का बुरा हाल, अब हम तो लोग इसी वजह से तो आए यहाँ पे, हमें कोई शौक़ है इधर बाहर आने का। अगर हमें वहाँ पाकिस्तान में अच्छी तनख्वाह मिले, बच्चों के लिए अच्छी तालीम हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, घर में 24 घंटे लाइट आए, घर में 24 घंटे पानी आए, अच्छी तनख्वाह हो, यहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ हम लोग मज़दूर हैं, जो जैसे वहाँ मज़दूर थे।
यहाँ मजदूर है, मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश होने से पहले मिल जाती है, वो बाजार जाके अपने लिए चीज़ें खरीदता है, मौज करता है, घूमता है, फिरता है, खाता है, टैक्स देता है, जब उसको ज़रूरत होती है वो जाके टैक्स वसूल करता है सरकार से, हॉस्पिटल जाता है और दूसरी चीज़ों में। अब आप भी देखें, मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ, आज इतवार का दिन है, यहाँ पे विंटर है और विंटर का आज बेस्ट दिन है, सूरज निकला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा काम, क्वाइट डे है, फैमिलियाँ निकली हुई हैं, बच्चे निकले हुए हैं, स्कूल हॉलीडेज भी चल रही हैं, लोग निकले हुए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यू नो, परेशान नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ ना लोगों को बिजली का मसला है, पानी का मसला है। ज़ाहिर है अरसा हो गया इन मुल्कों को डेवलप हुए हुए, ये इन चीज़ों से पीछे निकल आए बस, मतलब यहाँ भी सियासत है, यहाँ भी अभी हमें अभी हमारे यहाँ इधर न्यूजीलैंड में इलेक्शन होने वाले हैं सितंबर में, दो पार्टियाँ हैं यहाँ पे बड़ी, उनमें टाई चलता रहता है। अभी लेबर गवर्नमेंट है जसिंडा आर्डन की, वो पिछले तीन साल हो जाएंगे उसने, वो 10 साल बाद उनको चार्ज मिला वापस, उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया और कुछ अल्लाह ने भी उनका साथ दिया, अल्लाह ताला ने भी उनका साथ दिया, जिसकी वजह से 3 साल उनके अच्छे गुजरे। हालांकि नेशनल वाले जो हैं वो बेसिकली मुल्क को बढ़ाने वाले हैं, वो बैंक, मुल्क का बैंक अकाउंट बढ़ाने वाले हैं, वो ख़र्चा नहीं करते, वो लोगों को मुफ्त पैसे नहीं देते। लेबर की सरकार ये है कि कोई भी नौकरी छोड़ दे, सरकार के दरवाजे पर खड़ा हो, जी मेरे पास नौकरी नहीं है, वो उसको देंगे पैसे, देंगे उसको, कहेंगे जाओ जाके नौकरी ढूंढो, लेकिन इतने में ये पैसे लो, घर चलाओ। लेकिन नेशनल ऐसा नहीं करती, नेशनल कहती है कि ठीक है नौकरी छूट गई आपकी, हम आपको ये कार्ड देते हैं, आप जाके सिर्फ दुकान से सौदा सेल्फ ले सकते हैं आप, और कोशिश भी करनी है आपने 3 महीने के अंदर अंदर, आप हमें कोशिश करके दिखाएं कि आप दूसरी नौकरी लें। तो इमरान खान साहब को भी यही करना चाहिए था कि भाई गटर खोलने थे, बिजली का बंदोबस्त करना था, पानी का करना था, वो उन लोगों को छोड़ते, दफ़ा करते, ये अगर वो करके दिखाते ना 3 सालों में, इन चीज़ों को कुछ करके दिखाते, तो मैं ये समझता हूँ कि आज इमरान खान के नारे डबल लग रहे होते, और ये जो ओवरसीज़ के जो उनके जो लोग हैं कि जी किसी की सिटीजनशिप है, फलाना है, धमाका है, ये कोई नहीं पूछ रहा होता, कोई भी नहीं पूछता कि भाई क्या है क्या नहीं है, मतलब किसी को कुछ परवाह नहीं होती। जब अगले के काम पूरे हो जाएंगे, उसको 24 घंटे लाइट आएगी, पानी आएगा, काम मिलेगा, शहर सही चलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर होगा, हर चीज़ सही चलेगी, तो उनको क्या ज़रूरत है कि यू नो इस तरफ सोचे, कि जैसे यहाँ भी नहीं सोचते। अब यहाँ अभी इस वक्त फुल टाई चल रहा है, क्योंकि हम पाकिस्तान से आए हैं, पाकिस्तान में जो सियासत हम पिछले 70 सालों से देखते आए हैं, मैं इतना 50 साल मेरी उम्र है प्लस, तो मुझे पता है कि पाकिस्तान की सियासत क्या है। अब यहाँ लोग किसी को बॉदर नहीं है, इलेक्शन होता है, यहाँ जाके लोग बस वोट दे आते हैं, उनको कोई शौक नहीं है इतना सियासत व्यासत का यहाँ पे लोगों को। अब हम पाकिस्तान से आए हैं, हमें पता है सियासत क्या है, तो हम यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, हम जैसे लोग, हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन क्या कर रहा है, तो हम जैसे लोग लोगों पर नुक्ताचीनी भी करते हैं यहाँ पर, यहाँ की सियासत में, तो लोग कहते हैं कि यार आप तो ना यहाँ पैदा हुए ना आपको पता है, लेकिन इतने से अरसे में इतना आप समझ गए। तो हम कहते हैं भाई हम ऑलरेडी ट्रेंड आए हैं, सियासत के ट्रेंड हैं, हमें सियासत का पता है, तो यहाँ को कुछ है ही नहीं यहाँ। हालांकि टाई चल रहा है, यहाँ पे क्लैश चल रहा है इस वक्त फुली, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी के रोज़मर्रा के मसाइल पे असर नहीं हो रहा। वो कोरोना वायरस है, वो आया, वो चल रहा है, यू नो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, काम हो गया, दैट्स इट। अपोजिशन ये कह रही है कि जी इन्होंने खर्चा कर दिया, हुकूमत ने ये कर दिया वो कर दिया, लोगों को घर बैठ के 3 महीने दिया, तो यही तो बात है सारी, उन्होंने खिलाया। अगर ये दूसरी गवर्नमेंट होती तो वो ये ना करती, वो कहती नहीं जी दुकानें खुली रहेंगी, फलां होगा, खर्चा नहीं देंगे, काम करो, तो फिर हमारा न्यूजीलैंड भी न्यूयॉर्क की तरह और ऑस्ट्रेलिया की तरह होता। आजकल जैसे ऑस्ट्रेलिया का हाल है, केस उनके बढ़ गए, न्यूजीलैंड में कोई केस नहीं है, लोकली जो ओवरसीज से आ रहे हैं वही है, बाकी ऑस्ट्रेलिया हो गया या बड़े बड़े जितने भी मुल्क हैं छोटे बड़े वहाँ सब ये, और जहाँ हुकूमतों ने कारोबार और कारोबार ज़िंदगी को बंद नहीं किया, उन्होंने चलता रहने दिया और कहा काम करो, हम अपनी जेब से कुछ नहीं देंगे। तो यहाँ इन्होंने 3 साल, ज़ाहिर है ख़जाने पे बोझ तो आया है, टैक्स बढ़ेंगे, अभी इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद जब मामला ठीक हो जाएंगे और टैक्स बढ़ेंगे, ज़ाहिर सी बात है बोझ तो आएगा, लेकिन हाल फिलहाल
उससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग काम करेंगे, लोग टैक्स देंगे, चलता रहेगा मामला। लेकिन अगर बंद हो जाता, कोरोना केस हो जाते और हालात ख़राब हो जाते, तो ये चीज़ें इंसान, इमरान ख़ान साहब ने तो दुनिया देखी हुई है, उनको ये सोचना चाहिए था। लेकिन बस जो हमारे इदारे हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी प्लस पाकिस्तान की सियासत इस्टेब्लिशमेंट जो भी है, फ़ौज और जो भी कुछ कह लें, वो बस वही मुल्क चलवाते हैं। ये लोग तो आज हैं कल नहीं हैं, यू नो, बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, लेकिन मुल्क का बुरा हाल है। बस चाहे कोई सिटीज़न बाहर का आए, नहीं आए, काम करे, क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है और इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को किस तरफ लेके जा रही है। बस ख़बरें देख देख के अब दिल को अफसोस होता है। ज़ाहिर है हम तो बाहर आ गए, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हम लोग बाहर आ गए, हम जैसे लोग और भी, मतलब लोग हैं अभी भी पाकिस्तानी जो बाहर हैं, वो आना चाहते हैं पाकिस्तान, रहना चाहते हैं वहाँ। ज़ाहिर है जो यहाँ काम करते हैं ना, पैसे हैं उनके पास, लेकिन हमारे अपने रिश्तेदारों में लोग हैं जो कि आना चाहते हैं बाहर, गया नहीं, वहाँ पाकिस्तान जाकर रिटायर होंगे, वहाँ अच्छा है ये वो। तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई पाकिस्तान में क्या है जो तुम जाना चाहते हो। मतलब मैं ये जो अभी सुकून से निकला हुआ हूँ वॉक करने के लिए, यू नो, ये मुझे नहीं मिल सकता वहाँ पे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा कभी भी नहीं, यू नो। तो बस ये चीज़ें हैं जो इंसान को, और जो लोग इन चीज़ों पे मरते हैं कि यार वहाँ जाके छोले चाट खा लेंगे, वहाँ से बर्गर खा लेंगे, वहाँ से शीरमाल खा लेंगे, तो जो लोग इन चीज़ों पे मरते हैं, तो भाई फिर उनका गुजारा कहीं भी नहीं है, वो तो नाशुक्र ही रहेंगे। बस अल्लाह ताला पाकिस्तान का ख्याल रखे, यू नो, और पूरी दुनिया का ख्याल रखे, तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला बेहतरी फरमाए, सबके लिए अल्लाह ताला सबके हक़ में बेहतर करे। बस देख देख के अफसोस होता है सोशल मीडिया पे कि अभी बारिश, चार दिन बारिश नहीं हुई और पाकिस्तान वही हाल हो गया। मुझे अपना वक्त याद आ जाता है। मैं भी बाइक वाला बंदा था, मैंने हमेशा बाइक चलाई है पाकिस्तान में, मुझे 17 साल हो गए यहाँ पे, और 53-54 का हूँ मैं, तो मैं तकरीबन 35 साल में वहाँ रहा हूँ, 35-36 साल, और मैं बाइक चलाई, काम किया। मुझे याद आ जाता है कि काम पे आते थे, जाते थे बसों में या फिर बाइक पे, तो जब बारिशें हो जाती थी तो बड़ा ही हाल ख़राब होता था, घर भी नहीं आ सकते थे, परेशानी होती थी इतनी, को हालात ख़राब है, कोई झगड़ा हो गया, कोई हंगामा हो गया, अल्लाह माफ़ करे, यू नो। तो यहाँ जब से आए हैं, यहाँ हर तरह का काम किए, लेकिन कोई दुख परेशानी मुश्किल जो है वो नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला पाकिस्तान के भी हालात सही करे, अल्लाह ताला अपना रहम करे, करम करे, बेहतरी करे, यू नो। और बस यही दुआएँ हैं पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे इंशाअल्लाह ताला। जज़ाकअल्लाह खैर मुझे सुनने के लिए, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।